मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मेहनती किसानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पिछले दो वर्षों में लगातार फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कृषि के विकास और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार की कोशिशों के कारण 11वीं योजना में कृषि में 3.3% का औसत विकास हुआ, जो 10वीं प्लान के 2.4% की दर से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 8 सालों में हमने फसलों का खरीद मूल्य दोगुना कर दिया है। हम लाखों छोटे किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हों और सही शिक्षा पाते हों तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल रहेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बच्चों की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा है। बच्चों की पढ़ाई को कानूनी तौर पर ज़रूरी बना दिया गया है। सन 2006-07 में 6 से 14 साल के बीच के सिर्फ 93% बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे थे। आज इस एज ग्रुप के करीबन सभी बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों में देश में 51,000 नए स्कूल खोले गए हैं और तकरीबन 7 लाख अध्यापकों को उनमें नियुक्त किया गया है। अब हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की तरफ खास ध्यान देंगे। अगले कुछ महीनों में हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे जिसमें लगातार ये जानकारी मिलती रहे कि बच्चों को पढ़ाई का कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। इसमें समुदाय और बच्चों के माँ बाप की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई से इत्मीनान मिल सके। स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना के ज़रिए आज देश भर में करीबन 12 करोड़ बच्चे रोज़ पौष्टिक खाना पाते हैं। ये दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया है और अब भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें पोलियो का असर है। बच्चों में कुपोषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने कई क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। ICDS स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले माताओं और बच्चों की तादाद पिछले 8 सालों में दुगनी हो गई है। ICDS स्कीम को और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है और इसे अगले 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। साल 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था ताकि देश के हर एक गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आज इस मिशन को लागू करने के लिए तकरीबन 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिनमें 8.5 लाख आशा कार्यकर्ता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी के बाद अब हम शहरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदला जाएगा। ये पूरे देश के सभी गांव और शहरों में लागू होगा।
हम सभी देशवासियों के लिए सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ज़रूरी दवाएं मुफ्त देने की एक स्कीम भी बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने नौजवानों के लिए आने वाले सालों में रोज़गार के बहुत से नए अवसर पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको ऐसी स्किल्स में ट्रेनिंग दिलवाएं जिनकी हमारी अर्थव्यवस्था को ज़रूरत है। हमारा प्रयास है कि हम बहुत सी नई स्किल्स में ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का इंतज़ाम करें। हम ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिसमें 6 हफ्ते से 6 महीने तक की अवधि के छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज का लाभ हमारे नौजवान भाई बहन उठा सकें। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है जिसके तहत अगले 5 साल में 8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा एक खास एजेंसी बनाकर ही पूरी की जा सकती है। इसलिए हम एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को सारे देश में तालमेल के साथ लागू किया जाए। इस काम में सरकार के अलावा निजी कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान ज़रूरी होगा। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर ही हम रोज़गार के लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से सुधार करना होगा। हमने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेज़ी लाने के लिए नए उपाय किए हैं। सड़क, बंदरगाह, रेल, बिजली और कोयला के क्षेत्रों में नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएगी। विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भरोसा पैदा करना होगा कि भारत में निवेश में कोई रुकावटें नहीं हैं। भाइयों और बहनों, सिर्फ 10 साल पहले तक हमारे गांव में 10 में से सिर्फ 3 घर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े थे। आज आधे से भी ज़्यादा ग्रामीण घरों में बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 सालों में सभी घरों को बैंक खातों का लाभ मिल पाए। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सरकारी स्कीमों से जारी पैसा जैसे बुज़ुर्गों की पेंशन, छात्रों की स्कॉलरशिप और मज़दूरों का मेहनताना सभी का भुगतान सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में किया जाए। इससे लोगों की परेशानी कम होगी, वो आसानी से भुगतान पा सकेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बड़े काम के लिए हम आधार स्कीम का सहारा लेंगे जिसमें अब तक लगभग 20 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश के शहरी इलाकों में रहने वाले अपने गरीब भाई बहनों को मकान मुहैया कराने के लिए हम शीघ्र ही राजीव आवास ऋण योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लोगों को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में छूट दी
दी जाएगी। भाई और बहनों, इसी साल हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखेंगे। योजना में देश के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की कार्रवाई को तय किया जाए। इसमें उन उपायों का निर्धारण किया जाएगा जिनसे हमारे आर्थिक विकास की दर वर्तमान 6.5% से बढ़कर योजना के आखिरी साल में 9% हो पाए। योजना में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो देश के विकास का फायदा भारत के हर नागरिक तक और ख़ास तौर पर कमज़ोर तबकों तक पहुंचाने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 12वीं योजना को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से लागू करेंगी। भाई और बहनों, अभी हाल में असम में हिंसा की जो घटनाएं हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये एहसास है कि इन घटनाओं से एक बड़ी तादाद में लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति, हम उनको राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे ये भी वायदा है कि हमारी सरकार इन घटनाओं की वजहों को समझने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर मेहनत से काम करेगी ताकि देश में कहीं भी इस तरह के हादसे दोबारा ना होने पाए।